ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक, दिस अर्जुन मित्तल हियर। सो आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की और कैंडलस्टिक रिएक्शंस की। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नोइंग कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड द कैंडलस्टिक रिएक्शन। बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स क्योटेक्स में इस तरीके के होते हैं जो कि ड्यू टू कैंडलस्टिक साइकोलॉजी या ड्यू टू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हम उसके अंदर ट्रेड ले भी सकते हैं और ट्रेड नहीं भी ले सकते। अगर आपको पूरी स्ट्रेटेजी सीखनी है और प्रो लेवल का ट्रेडर बनना है मेरी तरह, तो आपको वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना होगा। और नए हो तो चैनल को यार अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरीके की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। कल हमने लाइव क्लास यहाँ पे अपनी हेल्ड करी, आपको लाइव क्लास में मैंने पढ़ाया डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, और उसके बाद हमने क्यू एंड ए सेशन भी रखा जिसमें 101 हमने क्वेरी दूर करी। आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। जिन लोगों का लाइव क्लास का लेक्चर छूट गया उनको ले मैंने यूट्यूब पे अवेलेबल करा दी है अपनी लाइव क्लास, वो जाके देख सकते हैं। लिंक टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर हम डेली सिग्नल्स देते हैं, डेली लर्निंग मटीरियल कराते हैं, अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं और स्ट्रेटजीज टाइम टू टाइम पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। राइट, सो ये है मेरा क्योटेक्स का लाइव अकाउंट, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कल सिग्नल्स दिए थे तो किस तरीके से हमारे विन हुए सिग्नल्स यहाँ राइट में, जहाँ मेरा आप कर्सर देख पा रहे हो। और जो आज का टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है ये हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है, मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ विंडो को, वो है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड कैंडलस्टिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी, सो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर ये लाइन किस पर्पज़ से आपने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट करती हैं सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, जो कि बार 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 मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमें फॉलो करना ही होगा। राइट, अब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को जानने के लिए आपको मैं इस वाले यहाँ पे पैटर्न पे ले चलता हूँ। यूएसडी बीआरएल का ये पैटर्न है, यहाँ सपोर्ट से इसे बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जानने का तरीका सबसे अच्छा क्या होता है। देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ना ग्रीन कैंडल बैक टू बैक नज़र आ रही हैं। यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल नज़र आई, और इसके अंदर एक और खासियत है इस ग्रीन कैंडल की कि इसका हेड बड़ा है। हेड ग्रीन कैंडल में अपर की लेवल की तरफ होता है और इसके अंदर विग निकले हुए को हम हेड बोलते हैं। तो इसका हेड बड़ा है और इसकी टेल या तो होगी या छोटी होगी या नहीं होगी बिल्कुल भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हेडर इसका बड़ा होना चाहिए, हेडर इसका होना ही चाहिए। तो ये इंडिकेट करता है एक अपर ट्रेंड को अगर ये ग्रीन कैंडल में है। तो हम यहाँ पे अगर हमें ये डिटेक्ट हुई तो हम यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे, यहाँ कैंडल राइड हुई यहाँ पे हम एमटीजी विन कर सकते थे, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे एक, लेकिन इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करते। उसके पीछे रीज़न आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ट्रेड क्यों नहीं करते। यहाँ पे हैमर बन गई, चलो हमने यहाँ पे ट्रेड ले भी लिया, लेकिन इस कैंडल पे तो हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते। उसके पीछे रीज़न आपको क्लियरली विजिबल है बट आप पता नहीं लगा पा रहे हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार्ट का रेजिस्टेंस लेवल है। कई सारे ट्रेडर सोचेंगे सर रेजिस्टेंस लेवल तो ब्रेक हो गया, इसने तो अपर ग्रीन बनाया, लेकिन हमें स्टिक टू द कॉन्सेप्ट रहना है। रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ट्रेड नहीं करना है तो नहीं करना है, भले ही ये ब्रेक करे फर्दर ग्रीन बनाता रहे तो एक दो कैंडल का आपको वेट करना है। यहाँ पे देखो इसने ब्रेक करा, वापस से तीन चार कैंडल बनाया, लेकिन हमारा ट्रेड एंड पॉइंट क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, वो यहाँ पे हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट टच कर गया। हमें ट्रेड करने के 3 से 4 चांस मिले जिसमें हम अपना सफिशिएंट प्रॉफिट कर सकते थे। अब आप पूछते हो बाद में कि सर मैंने यहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करी, पूरे कॉन्सेप्ट फॉलो करे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की और रिएक्शन के, लेकिन मेरा फिर भी लॉस हो गया। यही लॉस का रीज़न बनता है कि आप लोग गो विद द फ्लो कर देते हो और आप बैक टू बैक ट्रेड लेते चलते हो और हर कैंडल पर ट्रेड लेना पसंद करते हो। यहाँ पर भले ही ये ब्रेक हो गया हो लेकिन आपको ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना था।
अब यहाँ पे सेकंड मैं आपको बताता हूँ एक बार रेड कैंडल के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने सपोर्ट को ब्रेक करा, लेकिन ये साइडवेज मार्केट मेरी यहाँ पे बन गया। साइडवेज मार्केट के लिए एक बेस्ट इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ, साइडवेज मार्केट के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। साइडवेज मार्केट कभी भी आपको हो, आपको इंडिकेट करना हो, तो ज़िगज़ैग इंडिकेटर काफ़ी अच्छा होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ कॉपी करके इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारी लाइव क्लासेज हैं वो VIP मेम्बर्स के लिए फ्री हैं, नॉन VIP मेम्बर्स के लिए उनका चार्ज है 1800 रुपीज़ ओनली। नॉन VIP जो नॉन इंडियन मेम्बर हैं उनके लिए चार्जेस है 20 USDT। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए पब्लिक के, मैं आपको यहाँ पे VIP जो ग्रुप ज्वाइन करने का प्रोसेस बता दूंगा। सिंपली मेरे क्यूटेक्स के लिंक से अकाउंट बना के मुझे टेलीग्राम पे ट्रेडर ID मैसेज कर देनी है, देन आई विल ऐड यू टू द VIP क्लब। हम बात कर रहे थे रेड कलर की कैंडल की, यहाँ पे हमने साइडवेज मार्केट डिटेक्ट करी। साइडवेज मार्केट डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ। अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल देख रहे हो तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ भाई। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी होगा तो यहाँ पे वो ग्रीन ही लेना पसंद करेगा, यहाँ पे ग्रीन लेना पसंद करेगा इसको। यहाँ पे रीजन बीइंग ये रेड बना। अब इसको देखो, हेड भी नहीं है इसका, लेकिन हेड ऊपर की तरफ है। मैंने क्या बताया था, ग्रीन कैंडल में हेड होता है ऊपर की तरफ, रेड कैंडल में हेड होता है नीचे की तरफ। ट्रेंड कब कंटिन्यू करेगा, जब हेड हमारा नीचे की तरफ डिटेक्ट होता है, जो कि हमारा डिटेक्ट हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल पे। ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा हेड डिटेक्ट हुआ। रेड कैंडल में हेड नीचे की तरफ होता है, टेल ऊपर की तरफ होती है, ग्रीन कैंडल का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे मैं एक बार मैंने डिटेक्ट करा, फिर मेरा ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैंने डिटेक्ट करा, फिर मेरा ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैंने डिटेक्ट कर लिया। तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता था, यहाँ पे ट्रेड कर सकता था, यहाँ पे तो मेरा मार्जिनल विन हो जाता। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक मुझे यहाँ पे 2-3 ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन बैक टू बैक ग्रीन के रेड के यहाँ पे ट्रेड वापस देखने को मिले, जहाँ पे मुझे डाउन की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। यहाँ पे हेड बना तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था, यहाँ पे हेड बना तो यहाँ पे मैं MTG विन कर सकता था, यहाँ पे हेड बना तो मैं यहाँ पे विन कर सकता था। इस तरीके से मैं अपने ट्रेड को बैक टू बैक मुझे 3-4 मौके ऑन मिल गए यहाँ पे। तो ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा एक राइट अपॉर्चुनिटी का। अगर आप अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। रीज़न बीइंग एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में आधा आधा एक एक घंटा चला जाता है, तभी हम ट्रेडिंग सेशन अपने यहाँ पे करते हैं और ग्रुप में अपडेट करते हैं कि हम ट्रेडिंग सेशन करने वाले हैं। आप लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग सेशन की टाइमिंग बिल्कुल सेट होनी चाहिए, कि अगर 1 बजे ट्रेडिंग सेशन हम रोज करते हैं तो आज भी 1 बजे ही होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रीज़न बीइंग हम OTC मार्केट में ट्रेडिंग सेशन नहीं करते, हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सेशन करते हैं, जिसमें वॉलेटिलिटी, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी सब कुछ देख के आपका लॉस ना हो, आपका प्रॉफिट हो, 90-95% एक्यूरेसी के साथ सिग्नल डिलीवर हो, इस चीज़ की हम कोशिश यहाँ पे करते हैं। रीज़न बीइंग मनी यहाँ पे इतना आसान नहीं होता लॉस करना, मनी बहुत कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं नहीं चाहता किसी की कैपिटल किसी भी तरीके से हमारी वेस्ट जाए। सो यहाँ पे जो मैं ये पेयर देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक अप ट्रेंड बना है, अप ट्रेंड बनाने की वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल भी मैं क्लास में बात कर रहा था ट्वीज़र टॉप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक बनी, हेडर इसका बड़ा है, यहाँ पे फिर से अगेन ग्रीन कैंडल बनी, फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट आ गया, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करते हुए यहाँ पे बैक टू बैक 5 कैंडल बनी। लेकिन अगर हम पीछे जाके देखें, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है एक्चुअली, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ था प्रीवियस लेवल पे। यहाँ पे देखो, अगर जब मैं आपको एक बार रेक्टेंगल ले आके दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार ब्रेक हुआ था, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। रीज़न बीइंग इसने अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे ये पहुँच चुका है, लेकिन ब्रेक करके गया। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी अगेन ब्रेक करा,
और ब्रेक के बाद फिर से 5 to 6 कैंडल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो जब हमें पहले एक बार पता चल गया कि ये ब्रेक करके अपर लेवल तक जाता है, दूसरे रेजिस्टेंस पॉइंट जो डबल रेजिस्टेंस पॉइंट है मेरा अपर वाला उसको टच करता है, तो मैं यहाँ पे बैक टू बैक 5 ट्रेड कर सकता हूँ। सो एक ही पेयर में 15 to 16 अपॉर्चुनिटीज फाइंड करवाने की, देखो ये एक्सपीरियंस के साथ ही आपको आएगा, एक ही पेयर में 15 to 16 अपॉर्चुनिटी मैंने आपको फाइंड आउट करके बताई। और अगर 15 to 16 आपने अपॉर्चुनिटी ली, ट्रेड लिए बैक टू बैक इन कैंडल्स पे ट्रेड लेते, तो आपके 12 to 13 तो ट्रेड विन होते ही होते, उससे भी आपकी 90 to 95% एक्यूरेसी आती है। और अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो आपको एक्सपीरियंस गेन करने में दिक्कत क्या आने वाली है। सो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, अब इसने क्या करा, ये जिगजैग मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, अब यहां पे इसने सपोर्ट लाइन, यहां पे देखो हेडर नहीं देखूंगा, अब मैं यहां पे ये हेडर नहीं देखूंगा, अब तो मैं साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी फॉलो कर दूंगा, जो मैं वीआईपी ग्रुप मेंबर्स को अपने बताता हूं, जो मेरी साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी है वो मैं फॉलो करना शुरू कर दूंगा। आप धीरे धीरे प्रो लेवल के ट्रेडर बनते जाओगे, लेकिन अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक करने के बाद ये साइडवेज मार्केट नहीं रहा, अगर आप जिगजैग देखोगे तो लगेगा, अदरवाइज ये साइडवेज मार्केट नहीं रहा। अब मैं इसका ऊपर का रेजिस्टेंस पॉइंट देखूं तो यहां पे 3 टच हैं, लेकिन इसके बाद में ये टच पॉइंट इसमें नजर नहीं आते हैं, और पीछे रेजिस्टेंस पॉइंट ना होने की वजह से मैं इसको अपना रेजिस्टेंस लेवल नहीं मान सकता। अभी मैं वेट कर रहा हूं एक राइट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की आप सभी लोगों के लिए। यहां पे अगर आप देखोगे, इसने इस सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मैंने आपसे बताया था कि पेशेंस इज द की, काफ़ी टाइम तक बैठे रह के यहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है लेवल्स को बनने का, और यहाँ पे कैंडल्स को साइकोलॉजी और कैंडल्स के रिएक्शन को समझने का। बट यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ यूएसडी बीआरएल के पेयर में, तो इसने ना कोई भी क्लियर कट कोई ट्रेंड नहीं बनाया है, अनलेस अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ये डाउन की तरफ जाता धीरे धीरे जा रहा है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेसिकली डाउन की मुझे बनती नजर आ रही है। सीधे सीधे 91% के सेटलमेंट रेशो के साथ ये काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसने ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रेड कैंडल बनाई, हेड इसका बड़ा था, उसके बाद मुझे रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल गई। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर करंट कैंडल को कि ये किस तरीके से अपना क्रिएट करती है। एक ट्रेड अपना मैं ज़रूर प्लेस करूँगा यहाँ पे, और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पॉइंट ध्यान में रखते हुए हम अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इस वाले सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, नीचे वाले सपोर्ट की तरफ, इस वाले सपोर्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये देखिए, ये नीचे वाले सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं इसके अंदर डाउन ही ट्रेड प्लेस करूँगा। रीज़न बीइंग, एक यहाँ पे ना मेजर सपोर्ट लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा था पहले आपको एनालाइज करते हुए, यहाँ पे कई सारे मल्टीपल टच पॉइंट हैं, और इस वजह से मैंने यहाँ पे डाउन की तरफ ट्रेड प्लेस करा है। रीज़न बीइंग, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है फिर भी मैं डाउन गया हूं, रीजन बीइंग कि ये रेड कैंडल बनने के इसके चांसेस बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं रेड कैंडल बनने के चांसेस, और ये धीरे धीरे सपोर्ट पे आएगा, तब इसके अंदर हमें जाके अपर लेवल का ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो कि ग्रीन कैंडल हमें बैक टू बैक यहां पे अपॉर्चुनिटी देगी अपर लेवल का ट्रेड करने के लिए। सो यहां पे मैंने एक $200 का ट्रेड प्लेस करा आपके लिए, ठीक है, और यहां पे जो मेरा ट्रेड था वो काफ़ी मार्जिन से विन जा रहा है, और अभी भी सपोर्ट दूर है, तो मैं एक ट्रेड और प्लेस कर दूंगा। सपोर्ट थोड़ा दूर है, अभी भी सपोर्ट दूर है, तो यहाँ पे मैं एक रेड का ट्रेड और प्लेस कर दिया $200 का, तो मेरा एक विन हुआ $200 का, एक ट्रेड मैंने और प्लेस कर दिया $200 का। सो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से कैंडल स्टिक को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट बना सकते हो अपना, जिस तरीके से मैं ट्रेल कर रहा हूँ पेशेंटली बैठ के, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर मेरा ये विन भी नहीं होता किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट से मेरा विन नहीं होता, तो देखो मेरे लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है कि मैं ऊपर से कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, और ये अपने सपोर्ट के लेवल पे आके टिक गई है, ठीक है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी भी ट्रेडर के लिए नहीं हो सकती, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखोगे मेरा कर्सर, तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी, मेरे सपोर्ट के लेवल पे मेरा ट्रेड आके रुक गया है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट पे धीरे धीरे आ रहा है अपना, और मेरा ये ट्रेड भी
विन हो गया, यस ये विन हो गया 86% का। ये यहाँ पे ओटीसी मार्केट में क्या है, सेटलमेंट रेशो ना बदलते रहते हैं, ठीक है, और सेटलमेंट रेशो बदलते रहते हैं, कभी 92% भी था, अभी ये 81 पे चल रहा है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, एज सून एज मच एज ये 80% से ज़्यादा है इट्स फाइन फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस इट्स फाइन, और अगर 80% से कम है तो आप ओटीसी का पेयर अपना बदल दिया करो, राइट। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अब मैंने एक ट्रेड और प्लेस करा है डाउन का, रीजन बीइंग इसने ना सपोर्ट को टच नहीं करा था, और मैं ग्रीन कैंडल पे तब तक ट्रेड नहीं करने का जब तक ये सपोर्ट को अपने अच्छे से टच ना कर ले, ठीक है। अपने सपोर्ट को टच करेगी तो ये कैंडल को बाउंस बैक देखने को मिलेगा ग्रीन कैंडल के लिए, और देखो कितना, मतलब आपको देखो कितना प्रैक्टिकली यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे देखो सपोर्ट को किस तरीके से सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। देखो कितना प्रैक्टिकल आपको मिल रहा है देखो देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग इसने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी फॉलो करी चार्ट ने, और यहाँ पे हमें एक ट्रेड देखने को मिला। अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा केवल और केवल एक कैंडल को फॉर्म होने का। ये मेरे 3 ट्रेड बैक टू बैक विन हो गए। तो देखो मैंने आपको बताया था ना किस तरीके से हमें 4 या 5 अपॉर्चुनिटी मिली थी एक ही ट्रेंड को फॉलो करते हुए, तो देखो मैंने 3 अपॉर्चुनिटी रियलाइज भी कर ली, 3 अपॉर्चुनिटी को मैंने प्रॉफिट में कन्वर्ट भी कर लिया, ठीक है। तो आप भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना सीखो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एक ग्रीन कैंडल बने, बस एक ग्रीन कैंडल बने जिसका हेड हो अपर लेवल की तरफ, फिर देखो मैं किस तरीके से यहाँ पे बैक टू बैक ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। एक कैंडल बने बस, अगर आप देख रहे हो मेरा कर्सर तो यहाँ पे मेरे निगाह जमी हुई है बिल्कुल, और यहां पे मैं वेट कर रहा हूं एक राइट अपॉर्चुनिटी का। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, ये किसी तरीके से एक कैंडल मुझे ग्रीन की अपॉर्चुनिटी दे, देखो इसने दी ग्रीन की अपॉर्चुनिटी यहां पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखो ये ग्रीन की अपॉर्चुनिटी दे, मैंने एक ट्रेड यहां पे प्लेस करूंगा ग्रीन का। अब आप देखिए किस तरीके से कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की वजह से ये यहां से ग्रीन बनता है, आप खुद देखिए लाइव में, ठीक है। यहां हम ऊपर से रिसर्च करते हुए आए, डाउन आए, लेकिन हमने पेशेंटली वेट करा, ठीक है, और ये यहाँ पे देखो किस तरीके से ग्रीन जाता चला गया। थियोरिटिकल के साथ साथ कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली समझ में आए आपको, अगर आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं कॉन्सेप्ट को समझाने का। देखो किस तरीके से ये पूरा अपर लेवल पे गया, ठीक है, डाउन के लेवल से, ठीक है। अब मेरा ये 4th बैक टू बैक ट्रेड मैंने कैंडलस्टिक की ट्रेलिंग को यहाँ पे फॉलो किया था, जस्ट केवल और केवल। अब मैं यहाँ पे 2 ट्रेड और प्लेस करूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 ट्रेड प्लेस हो गए, लेकिन ये 3 ट्रेड भी मेरे विन ही जाने हैं। आप रिसर्च का लेवल देख रहे हो किस तरीके से रिसर्च का लेवल गया है, रिसर्च का लेवल यहाँ से शुरू करा था मैंने आपके लिए, यहां से शुरू करके मैं यहां तक समझाते हुए गया था आपको, यहां से समझाते हुए नीचे मैंने थोड़ा सा वेट करा था, आपको समझाया भी नहीं था लेकिन आपको पेशेंटली वेट करा था मैंने, वीडियो का वो पार्ट कट हो जाएगा, लेकिन यहां पे मैंने वीडियो अगेन चालू करी, रीजन बीइंग आपको दिखाना था मुझे कुछ। आप खुद देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे बैक टू बैक ट्रेड प्लेस करे, और 3-4 ट्रेड पहले विन करे और 3-4 ट्रेड अब हम 18 सेकंड के बाद विन करने जा रहे हैं। यहाँ पे 14 सेकंड बचे हुए हैं अभी भी ट्रेड प्लेस होने में, और 14 सेकंड के बाद यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमारा ट्रेड विन हो गया। यहाँ पे उसके बाद रेड कैंडल बनी है उसे छोड़ दो, लेकिन ट्रेड हमारे विन हो गए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है और कैंडलस्टिक रिएक्शन को कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।